नमस्कार, मैं शिवानी लोकपाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। साड़ा विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रसाद एवं नकाते ने राजनीतिक दलों के अगुवाओं की बैठक ली, जिसमें उन्होंने आदर्श आचार संहिता के तहत क्या करना है और क्या नहीं कर सकते हैं इस पर विस्तृत जानकारी दी। बैठक में कांग्रेस की ओर से जिला महामंत्री संगठन महेश सोनी तथा महामंत्री दुर्गेश शर्मा तथा भाजपा की ओर से जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली तथा नेता प्रशांत मेवाड़ा आदि मौजूद थे। इसमें कोविड गाइडलाइन की पालना को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा साहड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने उपचुनाव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 17 अप्रैल शनिवार को मतदान होगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम तथा एसी कंट्रोल रूम के अलावा हेल्पलाइन भी स्थापित कर दी है। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइन की पालना के क्रम में जाब्ता तैनात किया जाएगा और बाहर से भी बुलाया जा सकता है। अपने जिले वासियों को यही निवेदन करना चाहूंगा कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, केरला और मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा संख्या में केसेस निकले हैं और बाय ट्रेन और बाय बस बहुत सारे लोग आवागमन अपने ज़िले से कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों के अंदर हमारे ज़िले में भी केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसको दृष्टिगत रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन की पालना सभी लोग करें और भीड़ भाड़ वाले स्थान पे जाने से बचे। आने वाले होली के त्यौहार को भी और शबे बारात है या अन्य भी कोई त्यौहार है तो उस त्यौहार को बहुत ही सादगी से बिना भीड़ भाड़ के हम कैसे मना सकते हैं या भीड़ में जाने से बचे ये देखें, क्योंकि कलर लगाएंगे तो हाथ से मुंह पे कलर लगाएंगे तो निश्चित रूप से इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एक दूसरे पे कलर फेंक के पानी से करेंगे तो भी इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ेगा, या अन्य कोई भी धर्म की अन्य कोई भी समाज की गैदरिंग से ये चीज़ बढ़ेगी। तो मेरा ये आग्रह है कि भीड़ से बचे और अपने जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। दूसरी बात, वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है, हमारे लगभग 90 से ज़्यादा साइट्स पे वैक्सीनेशन हो रहा है और प्राइवेट मिला के 102 वैक्सीनेशन साइट्स पे वैक्सीनेशन हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग लोग भी वैक्सीन लगाएं और 45 से 60 के बीच में जो लोग बीमार हैं वो लोग भी, उनकी मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो उन पर कार्रवाई करने के लिए हमने सबको बता दिया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन के लिए फ्लाइंग स्क्वाड्स हमारे काम कर रहे हैं और साथ साथ अन्य जो हमारी व्यवस्थाएँ हैं वो भी इसमें लगी हुई हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो भी इस पूरे प्रोसेस में चलेगा, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में जैसे कलेक्टर साहब ने बताया है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में लागू है। जो जो व्यवस्थाएं एक विधानसभा पे लागू हैं उसमें कुछ एक को छोड़ के लगभग सारी व्यवस्थाएं पूरे जिले में लागू हैं, तो यहाँ एक कन्फ्यूजन। भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया में धार्मिक कार्यक्रम में वाहन की टक्कर से हाथी की मौत पर संतों और महावतों ने कार्यक्रम आयोजकों से नया हाथी दिलवाने की मांग करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा जिसमें उन्होंने कार्यक्रम आयोजकों पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हाथी नहीं दिया जाता है तो वह भूख हड़ताल और आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। सांगनेर रोड स्थित बालाजी मंदिर के संत कैलाश दास ने कहा कि 12 मार्च को जैन समाज के कुछ लोग आए और हमारा हाथी बिजोलिया में संत सुधा सागर महाराज की रथ यात्रा में भेजने को कहा। इस पर हमने अपना हाथी उनके कहने पर वहां पर भेज दिया। इस दौरान यात्रा में शामिल एक ट्रक ने हाथी को टक्कर मार दी, इसके कारण हाथी और महावत गंभीर घायल हो गए। उपचार के दौरान हाथी ने दम तोड़ दिया। हमारी मांग है कि हाथी के बदले हमें हाथी दिया जाए। वहीं संत महेश दास ने कहा कि हमें आयोजकों के समर्थक लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर हमने थाने में कोई शिकायत दर्ज करवाई तो वह हमें जान से मार देंगे। के प्रोग्राम में शोभा यात्रा में अपना हाथी प्रवीण जैन ने भीलवाड़ा वालों ने भेजा है। वो आए हमारे पास कि हमारे महाराज की शोभा यात्रा में हाथी चाहिए, तो हमने भेज दिया साहब बिजोलिया से चौलेश्वर पारसनाथ के लिए। चौलेश्वर पारसनाथ में हाथी पहाड़ के ऊपर गया, पूरा जुलूस गया। जुलूस में हाथी आगे, उनका ट्रक पीछे था और ट्रक ने ऐसी टक्कर मारी कि हाथी वहीं पड़ गया और महावत भी पड़ गया साहब।
हाथी ने शरीर छोड़ा 14 तारीख को सर, ये अपने मथुरा हॉस्पिटल में, वो वहाँ पे दबाव भी डाला हमारे ऊपर बहुत जबरदस्त, और यहाँ भी आते हैं मंदिर पे दो बार, हाँ ये रीढ़ की हड्डी टूट गई उसकी, और अंदर पेट की नसें भी फट गई साहब। अब आप क्या चाहते हो इस मामले में? हम ये चाहते कि हमारे मंदिर के लिए हाथी की बंदी हाथी चाहिए। तो हमारे मंदिर पे भी आते हैं साहब अनजान आदमी, हम उनको जानते भी नहीं है, डरा धम करते हैं राजीनामा करो नहीं तो हम जान से भी खत्म कर देंगे, तो हम उसको भीलवाड़ा में भी नहीं रह पाओगे, यहाँ मुकदमा करोगे तो अनजान आदमी, हम उनकी पहचान नहीं कर सकते साहब। मतलब धमकी दी? हाँ धमकी दी यहाँ से कि कैसे नहीं लगा सकते हो आप, राजीनामा करो नहीं तो हम जान से भी खत्म कर देंगे। अब आप क्या करोगे? सरकार प्रशासन पुलिस हम पूरे प्रशासन का सहयोग चाहते हैं साहब। नहीं सुने तो अभी आप फिर आपको धमका रहे हैं? धरना करेंगे साहब, मौन धरना करेंगे, आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे। हम सबको सामूहिक रूप से परिवर्तन लाकर हीमोफीलिया के रोगियों को सेवाएं देनी है। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, सामाजिक संगठन, सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा, हीमोफीलिया के रोगियों का इस तरह हम इलाज व सेवा कर पाएंगे। ये बात महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने महात्मा गांधी अस्पताल परिसर स्थित GNM ट्रेनिंग सेंटर में बुधवार को RVRS मेडिकल कॉलेज व MGH के संयुक्त तत्वावधान में हीमोग्लोबिन पैथी थैलेसीमिया हीमोफीलिया पर हुई वर्कशॉप में व्यक्त किए। वर्कशॉप में RVRS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शलभ शर्मा ने भी अपने विचार रखे। MGH उपनियंत्रक एवं डायलिसिस यूनिट प्रभारी डॉक्टर देवकिशन सरगरा, पैथोलॉजी विभाग के HOD डॉक्टर विवेक जैन, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अनिल लड्डा, डॉक्टर दीपक गोयल आदि मौजूद थे। इससे पूर्व सभी ने माँ सरस्वती जी के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में अस्पताल के चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ के साथ ही सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। वर्कशॉप में बताया गया कि हीमोफीलिया तब होता है जब किसी व्यक्ति के रक्त में क्लोटिंग प्रोटीन की कमी के कारण सामान्य रूप से खून का बहाव नहीं होता। इससे पीड़ित व्यक्ति में चोट के बाद सामान्य स्थिति से अधिक समय तक खून बहता रहता है। कभी कभी रक्तस्राव जोड़ों या मस्तिष्क के अंदर भी होता है। जब रक्तस्राव किसी जोड़ के अंदर होता है तो यह स्थायी नुकसान हो सकता है। जब मस्तिष्क के अंदर खून बहता है तो यह दीर्घकालिक सिरदर्द का कारण हो सकता है। यह स्थिति आमतौर पर जमावट कारक की वंशानुगत कमी के कारण होती है। हीमोफीलिया ए यह सबसे आम हीमोफाइल है, 5 में से 1 पुरुष इस विकार के साथ पैदा होता है। हीमोफीलिया बी यह दूसरा सबसे आम प्रकार का हीमोफीलिया है, 25 पुरुषों में से 1 इस विकार के साथ पैदा होता है। हीमोफीलिया सी जैसे रोसेंथल सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है बहुत ही दुर्लभ और हीमोफीलिया ए और बी से अलग है। हालांकि यह रक्त के थक्के बनाने के लिए आवश्यक शरीर में रक्त प्रोटीन के निम्न स्तर के कारण भी होता है। आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है। हर वर्ष के भांति हम हीमोफीलिया के डे को मनाते हैं। इस वर्ष का थीम है एडॉप्टिंग चेंज, किस तरह से हम अपनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाकर हीमोफीलिक पेशेंट्स को अच्छी से अच्छी सुविधाएँ दे सकते हैं। इसमें हम सम्मिलित प्रयास करेंगे, रोगियों को, हमारे फिजिशियंस को, पैथोलॉजिस्ट को, स्वयंसेवी संस्थाओं को साथ मिलके। इस तरह के रोगी जब MGH में आते हैं तो उनको किस तरह से अच्छी व्यवस्थाएं दी जाएं। पूर्व में हमने इनकी डिमांड पे निचले ग्राउंड फ्लोर पे ही एक वार्ड की व्यवस्था कर रखी है, एक फ्रिज भी दे रखा है और फैक्टर्स भी वहीं रहते हैं और हम ग्राउंड फ्लोर पे ही इनको फैक्टर 8 लगाते हैं। ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें फैक्टर 8 की कमी हो जाने से चोट लगने पर या किसी कारणवश खून का थक्का नहीं बन पाता है और इतनी ब्लीडिंग होती है कि कई बार ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस तरह के मरीजों को हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी अपने चिकित्सालय में बनवा रहे हैं और एक प्रयास करेंगे, कर रहे हैं और कोशिश करेंगे इस तरह के रोगियों को एक सम्मिलित प्रयास करके अच्छा वातावरण दें, अच्छी सुविधाएँ दें, अच्छा उपचार करें। भीलवाड़ा शहर में इरास चौराहे के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में आग लगने पर ड्राइवर ने कार को रोककर अपनी जान बचाई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल और सदर थाना पुलिस ने आग पर काबू पाया, मगर तब तक कार चलकर राख हो चुकी थी। आग के कारण कुछ देर के लिए कोटा मार्ग पर रोक लगा दी गई। सदर थाने के हेड कांस्टेबल इस्माइल खान ने कहा कि कोटरी निवासी बाबू सेठी की वैगनार कार को रिपेयर करने के लिए मैकेनिक अशफाक मोहम्मद भीलवाड़ा लेकर आ रहा था। इरास चौराहे के निकट अचानक कार में आग लग गई जिसके कारण कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। चौराहे के पास अभी जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक वैगनार कार में आग लग गई है, जिस पर मौके पर पहुंचे और हमने फायर ब्रिगेड को बुला के आग पर काबू पा लिया है और ये थाना भीमगंज सर्कल की घटना है, उनको भी सूचित करा दिया गया है।
और जो भी आगे की जांच, आगे की कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस ने शहर में बाजारों के फुटपाथ एवं सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने के अभियान की शुरुआत की। अभियान के दूसरे दिन बुधवार को सूचना केंद्र कोलपे और चौराहे आदि क्षेत्र की सड़क व फुटपाथ को दुकानदारों के अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। यह अभियान शहर के समत बाजार एवं प्रमुख मार्गों पर प्रभावी किया जाएगा। यातायात शाखा प्रभारी मेघना त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के मार्ग निर्देशन में यातायात पुलिस ने शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नई पहल की। इसी के तहत यातायात पुलिस के जाब्ते ने मंगलवार को रेलवे स्टेशन से गोलपे और चौराहा तक पैदल की गश्त की। बुधवार को अभियान के दूसरे दिन यातायात पुलिस कर्मियों ने बाजार के दुकानदारों से बातचीत की, उन्हें समझाया कि वे अपने व्यावसायिक उत्पाद व सामान को दुकान के बाहर सड़क या फुटपाथ पर नहीं रखें। इस समझाइश के साथ सामानों को फुटपाथ व सड़क से हटाकर दुकान के भीतर रखवाया गया। यहां यातायात शाखा ने माइक के जरिए सहयोग की भी अपील की। अधिकांश व्यापारियों ने सहयोग किया। उन्होंने बताया कि दुकानों के बाहर वाहनों को भी व्यवस्थित तरीके से पार्किंग के लिए व्हाइट लाइन बनाई गई है। अब इस लाइन के अंदर ही दुपहिया वाहनों की पार्किंग हो सकेगी। इसे सड़क के अतिक्रमण मुक्त होने से यातायात व्यवस्था में सुधार के साथ ही प्रमुख बाजार खुले एवं सहज रहेंगे। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने व हेलमेट सीट बेल्ट लगाने को लेकर भी समझाइश की। टीआई मेघना ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बाजारों में दुकानदारों व वाहन चालकों को भी सीख दी गई। उन्हें मास्क लगाने, सैनिटाइज का उपयोग करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की सलाह दी गई। श्रीमान एसपी साहब के आदेश से आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर के मुख्य मार्केट में जो भी दुकानें हैं उसमें दुकान वालों ने दुकान के बाहर सामान रखे और अतिक्रमण कर रखा है, जिससे कि टू व्हीलर पार्किंग हो ही नहीं पाती है और बीच रोड में लोग टू व्हीलर पार्क कर देते हैं, फोर व्हीलर पार्क कर देते हैं और यातायात में व्यवधा उत्पन्न होती है। इस कारण से हमने एक अभियान चलाया एसपी साहब के निर्देशन में कि सभी दुकानदारों से समझाइश करके उनके जो दुकान के बाहर सामान पड़े हुए अतिक्रमण में उनको अंदर रखवा के और व्हाइट लाइन को खाली करवाई जाए ताकि टू व्हीलर आराम से पार्क किया जा सके, आम आदमी को भी सुविधा रहे और यातायात भी सुव्यवस्थित रूप से चलता रहे। मैम इसके साथ ही देखा जाए जो सर्विस लेन बने ने यूआईटीएल बनाए लाखों रुपये खर्च किए उसके बाद भी वो एक पार्किंग के बनी हुई है और अस्थायी दुकानें तक वहाँ बन गई है। जी बिल्कुल, एक बार इस मुख्य मार्केट को व्यवस्थित करके हम उस चीज पे भी बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। जिले में बुधवार को 15 व्यक्ति कोरोना संक्रमित केस सामने आए। रैपिड रेस्पॉन्स टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने लोकवाणी को बताया कि मंगलवार को जिन 496 लोगों ने कोरोना जांच के लिए सैंपल दिए थे उनमें से उक्त 15 व्यक्ति संक्रमित निकले हैं। चावला ने आमजन से अपील की है कि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, हर हाल में मास्क लगाएं वे 2 गज दूरी नियम का पालन करें। गौरतलब है कि देश में कोरोना की नई लहर ने सभी की चिंताएं बढ़ा दी है। एक सप्ताह से देश भर में 20,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में संकट गहरा रहा है। यही नहीं, कोरोना के बढ़ते केसों के साथ ही पाबंदियों के दिन भी लौटने लगे हैं। अब तक देश के 25 जिलों में नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। यही नहीं, यदि हालात नहीं सुधरे तो कुछ और शहरों में पाबंदियां लग सकती है। कोटड़ी कस्बे में 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां से हालत गंभीर होने से निजी चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया। अखिल भारतीय तेली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ओम प्रकाश तेली ने बताया कि कोटड़ी कस्बे के रामसागर पाल के समीप बन रही तेली समाज की धर्मशाला में तराई करते समय वहां से गुजर रही 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से तेलाजी चौक कोटड़ी निवासी रामलाल पिता मोतीलाल तेली गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको पहले कोटड़ी चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय भेजा गया। प्रदेश अध्यक्ष तेली ने बताया कि घटना को लेकर तेली समाज में रोष है। पूर्व में कई बार विद्युत विभाग को सूचित करने के बाद भी हाई टेंशन लाइन को नहीं हटाया गया। शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर जिले का तेली समाज उग्र आंदोलन करेगा। आज कोटड़ी में रामसागर तालाब के सामने हमारी तेली समाज की जो धर्मशाला निर्माणाधीन है, उस धर्मशाला की बाउंड्री के अंदर 11,000 केवी की लाइन जा रही है और वहाँ पर केची भी लगी हुई है। उस केची को हटाने के लिए हमारे कोटड़ी तेली समाज की ओर से कई बार प्रार्थना पत्र, ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं, परंतु अजमेर विद्युत वितरण निगम के कर्मचारी और अधिकारी उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अभी एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें जनप्रतिनिधि भी आए थे, तो उनके समक्ष भी तेली समाज कोटड़ी की ओर से निवेदन किया गया कि भाई इस केची को हटाएँ ताकि वहाँ पर कोई दुर्घटना नहीं हो सके, परंतु उन्होंने भी उनके प्रयास किए लेकिन अजमेर विद्युत निगम के अधिकारियों ने उनकी बात पर गौर नहीं किया, जिससे आज हमारे समाज के रामलाल जी तेली जो
हमारी निर्माणाधीन धर्मशाला में कार्य कर रहे थे और उसी दौरान उनके विद्युत करंट आ गया और उस 11,000 केवी की लाइन में वो करंट की चपेट में आ गए, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गए। जिनका उपचार, जिनको पहले कोटड़ी प्राथमिक चिकित्सालय केंद्र ले जाया गया, फिर वहाँ से रेफर किया MG हॉस्पिटल लेके आए, MG हॉस्पिटल से भी ब्रजेश बांगड़ हॉस्पिटल में उपचाराधीन है और उनका इलाज चल रहा है। हम तेली समाज, संपूर्ण तेली समाज जिला भिलवाड़ा, हम ये मांग कर रहे हैं कि अविलंब उस कैंची को जो हमारी कोटड़ी स्थित तेली समाज की धर्मशाला में लगी हुई है उसको हटाएं, जिससे और आने वाली दुर्घटना से बचा जा सके। यदि प्रशासन ने सुध नहीं ली और उस कैंची को नहीं हटाया तो तेली समाज आंदोलन करेगा। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत गर्भवती माताओं को गुड़, चना, नारियल लायंस क्लब भिलवाड़ा द्वारा दिया गया। यह जानकारी अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. CP गोस्वामी द्वारा दी गई। बुधवार को शहर की आंगनवाड़ी केंद्र गुबारिया बस्ती RC व्यास कॉलोनी पर गर्भवती माताओं की संगोष्ठी आयोजित की गई और पोषण के बारे में समझाया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी शिव कंवर, पोषण विशेषज्ञ प्रेम तिवारी, लायंस क्लब भिलवाड़ा चैप्टर के अध्यक्ष विनोद जैन, नक्षत्र ग्रीन के डायरेक्टर दिव्यम बाबेल सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं गर्भवती माताएं उपस्थित रही। ACMHO डॉ. CP गोस्वामी द्वारा बताया गया कि गर्भवती महिला का वजन नियमित रूप से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर कराया जाना चाहिए, जिससे कि कुपोषण के बारे में समय रहते बचाव एवं उपचार लिया जा सके। डॉ. गोस्वामी द्वारा एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत गर्भवती माताओं को आयरन टेबलेट लिए जाने एवं नवजात शिशु को 6 माह की आयु से 5 वर्ष की आयु तक आयरन सिरप पिलाए जाने के बारे में जानकारी दी। बाल विकास परियोजना अधिकारी शिव कंवर द्वारा महिलाओं को स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श नियमित रूप से करवाए जाने सहित टीकाकरण के बारे में बताया। पोषण विशेषज्ञ प्रेम तिवारी द्वारा गर्भवती महिलाओं को प्रसव काल के दौरान हल्का व्यायाम एवं आहार की जानकारी दी गई। लायंस क्लब भिलवाड़ा के अध्यक्ष विनोद जैन द्वारा बताया गया कि लायंस क्लब अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसके द्वारा भिलवाड़ा शहर में भी गर्भवती माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में गर्भवती माताओं द्वारा सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की गई। रीजन चेयरमैन विनोद जैन, मैं आज जो आपने गर्भवती महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम रखा है, ऐसे कार्यक्रम हम चाहेंगे कि हर बार रखें और हमें बुलाएं। हम जो सेवा लॉयंस क्लब कर सकता है वो हरदम करेगा, हरदम तत्पर रहता है लॉयंस क्लब। 210 देशों में इसकी ब्रांचें हैं, भिलवाड़ा में 9 क्लब हैं और हर क्लब अपनी सेवाएं देता है। सरकार द्वारा पोषण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज हमने शहर के आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषण अभियान के तहत गुड़, चना, श्रीफल वितरण का कार्यक्रम रखा है। पोषण कार्यक्रम बेहद अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों में कुपोषण नहीं हो, गर्भवती माताएं स्वस्थ रहे, खतरे के लक्षणों की शीघ्र पहचान हो जाए, जिससे कि स्वस्थ शिशु और स्वस्थ माँ का जो हमारा संकल्प है वो साकार हो सके। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भिलवाड़ा, मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC फर्निश्ड रूम एंड वन हॉल, 20,000 स्क्वायर फीट गार्डन, वेल पार्किंग फैसिलिटी नियर बाय सिटी, एक कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ मैरिज, कंप्लीट इवेंट रूम फैसिलिटी, इकोनॉमिक चार्जेस। फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुँचे वो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर से जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए
सदैव कृत संकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप। इस लोगों के साथ निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिसर फीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड MGH परिसर फीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति फीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में बुधवार को राष्ट्रीय सेवा योजना की चारों इकाइयों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम डॉक्टर RS बांगड़ के मुख्य अतिथि एवं प्राचार्य डॉक्टर निशा माथुर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर बांगड़ ने राष्ट्रीय सेवा योजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे हम जीवंत और सजीव बने रहते हैं। उन्होंने स्वयं सेवकों को स्वरोजगार हेतु भी प्रेरित किया। प्रोफेसर ममता चांवरिया ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर पूर्व कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कमोद सिंह मीणा, डॉक्टर अवनीश शर्मा, डॉक्टर देवकांता शर्मा, डॉक्टर विजय कुमार पंचोली सहित अन्य संकाय सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर कांता मीणा ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत कर कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। डॉक्टर सौरभ सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर BL आर्य और प्रोफेसर धर्मेंद्र चौधरी ने किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सेठ मुरलीधर मानसिंह कन्या महाविद्यालय में प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य मोनू गुजर के नेतृत्व में छात्रावास का गेट खुलवाने हेतु प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। प्रियांशी झवर ने बताया कि महाविद्यालय में छात्रावास का गेट खुलवाया जाए। बाहर से आने जाने वाले व्यक्तियों, परिजनों एवं कैंटीन से सामान खरीदने के लिए छात्रावास का गेट खुलवाया जाए ताकि नियमित छात्राओं को परेशानी न हो। इस दौरान प्रीति टेलर, लक्ष्मी राठौर, निर्मा जाट, सुगंधा शर्मा आदि उपस्थित थे। जिला सेपक टकरा संघ भीलवाड़ा की जूनियर टीम की घोषणा की गई। सचिव कल्पना कंवर कानावत ने बताया कि 19 मार्च से 21 मार्च तक रामदेवपुरा जैसलमेर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भीलवाड़ा टीम की घोषणा की गई। छात्र टीम में कप्तान मनोविराज सिंह राजावत, राज सिंह राठौर, चंद्रबाज सिंह राठौर, देवराज सिंह चुंडावत एवं देवराज जाट, टीम के कोच डॉक्टर हिम्मत सिंह कानावत व टीम मैनेजर दिनेश गुप्ता होंगे। छात्रा टीम में कप्तान ममता कुमारी चौहान, मिथिलेश कुमारी जायसवाल, पार्वती कुमारी यादव, विष्णु कुमारी तेली एवं पिंकी गुजर, टीम के कोच डॉक्टर हिम्मत सिंह कानावत व टीम मैनेजर उषा तिवारी होंगे। शाहपुरा नगर पालिकी वार्ड 15 की पार्षद अपेक्षा भरत सनाडे की ओर से गांधीपुरी से आसीन रोड पर दीक्षित फार्म हाउस में फागोत्सव 2021 व पार्षद सम्मान समारोह का आयोजन साथी समारोह में किया गया। कार्यक्रम में अनुराग बाला पाराशर ने स्वागत की प्रस्तुति दी। पुनित बाला व हेम मंडेला की अगुवाई में महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर फागोत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम का संचालन तारा चास्ठा ने किया। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष अभिनंदन सोनी, उपाध्यक्ष राजी देवी धाकर सहित पार्षदों का अपेक्षा भरत सनाडे ने साफा बंधवा कर माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम में सम्मिलित सभी को डॉक्टर कमलेश पाराशर ने उच्च क्वालिटी के मास्क भेंट किए। महावीर प्रसाद दीक्षित ने सभी का आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष रमेश मारू, प्रेस क्लब के अध्यक्ष, पदाधिकारीगण तथा पूर्व पार्षदगण भी मौजूद रहे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।